आज दोस्तों हम आपको एक नई जानकारी देंगे जूतियों के बारे में, शेरवानी जूतियों के बारे में। तो शेरवानी जूती जो ये जूती है ना, इस टाइप की जूती को शेरवानी जूती भी बोलते हैं, कपड़े की जूती भी बोलते हैं, नोकदार जूती भी बोलते हैं, टीपू सुल्तान जूती भी बोलते हैं और अलग अलग टाइप से कुछ और बोलते हैं। तो बेसिकली ये जूती ज़्यादातर ओकेशन, फंक्शन, शादी, मैरिज, वन टाइम यूज के लिए पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जूती कपड़े के ऊपर बनाई जाती है और जैसे भी शेरवानी कपड़ा हो, सूट का कपड़ा हो, उससे जूती तैयार की जाती है। तो ये जूती दोस्तों सबसे पहले ये शेरवानी जूती में बेसिक मॉडल ऐसा होता है दोस्तों, सिंपल और बहुत अच्छी जूती है। इसमें फिर दोस्तों कलर अनलिमिटेड कलर आते हैं, क्रीम वगैरह से भी। ये इसी का कलर है दोस्तों, जैसे कि ये गार्जी कलर इसको बोलते हैं। और ये दोस्तों जूती है, देख लो आप। थर्ड नंबर इसी जूती के ऊपर दोस्तों वर्क का काम होता है, हल्का सा जरी भर के थोड़ा काम किया जाता है और ये दूल्हे के रूप में काम में ली जाती है। ज़्यादातर मारवाड़ के अंदर जो शादियाँ होती हैं ना, तो दूल्हे में ये जूती काम में ली जाती है। बेसिकली सारी दूल्हे के लिए भी होती है और ऐसे ओकेशन पर भी पहन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो जूती आती है ये पटियाला जूती होती है, और ये जो पटियाला जूती ऐसे होती है कि शेप पूरा ऐसा होता है और ये नोकदार होती है, और ये पंजाब से, वहाँ से पटियाला, पंजाब की जो जूतियाँ होती हैं वो इस टाइप से होती है, इसको पटियाला जूती कहते हैं। और इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे अच्छे कलर भी आते हैं दोस्तों। नीचे से कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों, और ये नीचे से इस प्रकार से होती है, बेसिकली नीचे सीटें आती है। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर जैसे ये कलर है और ये इस प्रकार से है, और इसी जूती को फिर पटियाला के बाद पाकिस्तानी जूती, यू पठानी जूती इस टाइप से बनाने के लिए इसकी नोक को दोस्तों ऐसे कर लिया जाता है, बैंड कर दिया जाता है। तो ये दोस्ती बेसिकली जूती ऐसी बन जाती है, इसका भी लुक अच्छा आता है जब कुर्ते पंजाबी हम पहनते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कलर होते हैं और इसको सिर्फ इस शेप से, इस शेप को ऐसे करना पड़ता है उंगली डाल के। उसके बाद दोस्तों ये जो जूती होती है वो डबल कपड़े के अंदर बनती है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कपड़ा है, दूसरा वेलवेट का कपड़ा लिया और मिल के बीच में चैन सॉकेट डाल दी डायमंड, और इससे ये जूती बन गई। अब इसमें दोस्तों कलर कपड़े के अलग अलग ले सकते हैं, ऊपर भी कलर अलग ले सकते हैं, नीचे भी दोस्तों, और डिजाइनें बहुत सारी चेंज कर सकते हैं, जैसे कैसे भी करके कारीगर अपने हिसाब से नई नई डिजाइनें बनाता रहता हर वक्त। और उसके बाद दोस्तों ये जो मल्टी कलर में दोस्तों जूती दिख रही है, ये थोड़ी इससे जो प्रीमियम जूती होती है, इसके अंदर पेड़ वगैरह अच्छा हुआ होता है और ये ऐसे होती है, देखने में ऐसी है। इसके नीचे कुल मिला के ईट हील वाली जूती जो कहते हैं वो इसको हील, इसमें क्या दोस्तों थोड़ी हील आती है जैसे कि आप देख रहे हो, और इनका कट में भी फ़र्क आता है दोस्तों, ये आपको कट दिख रहा होता हूँ। उसके बाद दोस्तों आजकल लोफर शूज टाइप में भी जूती आने लगी है, ये बोरी के अंदर है, सेम कपड़ों के अंदर भी ऐसी जूती बनती है, तो ये इस प्रकार से होती है दोस्तों कुछ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक ये जूती होती है जो हाथ से कपड़ा ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, जूती वही रहती है सेम, उसी के ऊपर कपड़ा पेस्ट करने के बाद जूती कुछ इस प्रकार से हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये सेम जूती ये होती है और इसके ऊपर पूरा बारीक कपड़े के ऊपर वर्क का काम किया जाता है, और ये वर्क बेस्ड जूती होती है जैसा कि आप देख रहे हो, इस शानदार जूती है। ये दूल्हे के जब पहनता है ना अलग ही लगती है, गोल्डन क्रीम शेरवानी है, क्रीम कलर है, गोल्डन शेरवानी है। उसके बाद दोस्तों इस जूती की नोक एकदम सीधी हो जाती है। इस जूती में और इस जूती में थोड़ा शेप में फ़र्क है, देख लो दोस्तों, और ये जूती कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं दोस्तों, तो बेसिकली आप देख लो जूती के टाइप इतने होते हैं, यहाँ एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ सोल के बारे में वगैरह, अंदर डिजाइन कुछ और बताएंगे, रेटें बताएंगे।